क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन में लगी फ्लैशलाइट कितने वाट पर काम करती है, एक बल्ब कितने पावर पर जलता है, और सूर्य, क्वेजार और सुपरनोवा धमाके कितना पावर जनरेट करते हैं, आकाश में मंडराती सैटेलाइट कितने पावर पर काम करती है, एक ट्रेन इंजन कितनी पावर पर चलता है, और सूर्य पृथ्वी को कितनी वाट पावर हर सेकंड देता है। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और पावर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं पहली बार आप लोगों को पावर, जिसे वाट्स में नापा जाता है, उसकी कंपैरिजन एक छोटे से स्केल से लेकर के समूचे ब्रह्मांड से करूंगा। यहाँ पर ह्यूमन स्केल पर आप पहली बार पृथ्वी पर बनी मानव मशीनों की पावर को ब्रह्मांड की शक्तिशाली मशीनों से कंपेयर कर पाओगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए पहली बार इस पावरफुल अनोखी यात्रा के लिए। पावर को वैज्ञानिक वाट्स में नापते हैं। समूचे विश्व में हर मशीन और इंसान की पावर को इसी यूनिट में नापा जाता है। आसान शब्दों में पावर असल में एनर्जी की ही दूसरी यूनिट है। इसमें हम हर सेकंड कितने जूल एनर्जी काम करने में खर्च हो रही है उसे नापते हैं, जिसे वाट्स में लिखा जाता है। तो 1 वाट पावर असल में 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को खर्च करने के बराबर है। जो भी कार्य आप करते हैं उसे करने में जितनी पावर लगती है उसे वाट्स में नापा जाता है। स्मार्टफोन की लाइट से लेकर के आपके घर और पावर स्टेशन के पावर को आप हमेशा वाट्स यूनिट में ही पढ़ते हैं। आपका बल्ब 5 वाट का है तो हर सेकंड 5 जूल एनर्जी को यूज कर रहा है और आपको लाइट दे रहा है। उसी तरह ब्रह्मांड में भी हर चीज काम करती है। हर सेकंड जितनी एनर्जी को स्टार, क्वेजार और गामा रे रिलीज करते हैं वही उसका पावर यानी ताकत और शक्ति कहलाती है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे कम पावर वाली चीज से लेकर के ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज की ओर लेकर के जाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें 1 वाट की तो ये आपके स्मार्टफोन कैमरे की लाइट की पावर है। हर सेकंड आपके स्मार्टफोन कैमरे की लाइट यानी एलईडी इतने वाट पर ग्लो करती है। अब आप 1 वाट पावर को जान चुके हैं तो अब इसी आधार पर मैं आपको ब्रह्मांड की सबसे कम पावर की ओर लेकर चलता हूँ, जो आपकी स्मार्टफोन की लाइट से भी अरबों खरबों गुना कम है। कल्पना कीजिए पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर मंडराती 1,000 किलो की एक सैटेलाइट की। 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है। इस ऊंचाई पर ऑर्बिट करती हमारी सैटेलाइट जो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करती है, यानी सैटेलाइट के मास के कारण जो ग्रेविटी की तरंगें हमें महसूस होती हैं, उनकी पावर ब्रह्मांड में सबसे कम है। 1 वाट से भी 1,00,000,000,000,000 गुना और कहीं तो 10^-27 वाट्स ब्रह्मांड में अब तक की सबसे कम कैलकुलेटेड पावर है। इसी स्केल पर आगे बढ़े तो इससे 1,00,000,000,000 गुना शक्तिशाली पावर जीपीएस सिग्नल्स की होती है जब वे पृथ्वी की सतह पर हमें रिसीव होते हैं। इन सिग्नल्स की पावर आपके स्मार्टफोन की लाइट से 1,00,000,000,000 गुना कम है। वहीं जीपीएस की स्ट्रेंथ से 10,000 गुना ज्यादा ताकत और कहीं तो पावर एक ह्यूमन सेल की होती है, यानी कि आपकी बॉडी में सेल्स 10^-12 वाट्स पावर पर काम करते हैं। शरीर में ये अरबों की संख्या में होते हैं, इसलिए आप बेहद ऊर्जा से अपना कार्य कर पाते हैं। ये आपके स्मार्टफोन की लाइट यानी 1 वाट से 10,000,000,000 गुना कमजोर है, पर इन्हीं के सहारे पूरे प्राणियों के शरीर टिके रहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप 100 वाट के एक बल्ब से 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं तो उस बल्ब से कितना पावर आपकी आंखों में आएगा। तो ये पावर आपके सेल से 100 गुना ज्यादा होगी, यानी कि 10^-10 वाट्स, यानी कि आप 10^-10 वाट्स को अपनी आंखों में रिसीव कर रहे हो। ये आपके स्मार्टफोन कैमरे की लाइट से 10,000,000,000 गुना कम है, जो कि हैरान कर देता है। अब आगे चलते हैं और कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव को देखते हैं। एक डीवीडी लेजर की मदद से चलती है और हम उसमें उस डेटा को पढ़ पाते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 0.005 वाट्स पावर चाहिए। वहीं इससे 13 गुना और 0.07 वाट्स में आपके राउटर के वाईफाई एंटीने काम करते हैं। ये अभी भी आपके स्मार्टफोन लाइट की 1 वाट पावर से 14 गुना कम है। इसी से आप समझ सकते हैं कि 1 वाट पावर से कम में भी कई चीजें काम करती हैं, जो सचमुच हैरान कर देता है। आइए मैं आपको आपके स्मार्टफोन की लाइट से आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ आप पहली बार कई चीजों की असली पावर को समझकर हैरान रह जाओगे, तो वीडियो देखते रहिए। करीब 30 वाट पावर पर आपका ब्रेन काम करता है। हर सेकंड 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करके ही हमारा दिमाग हमें एक्टिव रखता है। वहीं इसे 2 गुना और 60 वाट्स एक बल्ब की पावर होती है। इतने पावर पर जाकर के वह चमकता है। 100 वाट पर हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा शरीर टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ कई तरह के काम करता रहता है। इसके लिए वह हर सेकंड 100 जूल एनर्जी खर्च करता है, जो जाकर के 100 वाट्स बनती है। एक तरह से देखें तो आपका शरीर हर सेकंड आपके स्मार्टफोन की एलईडी लाइट से 100 गुना एनर्जी रिलीज करता ही रहता है।
इसी एनर्जी और कहीं तो पावर कंजप्शन को कायम रखने के लिए हमें भूख लगती है, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता रहता है। अब इसे 7.5 गुना और कहीं तो 750 वाट्स को एक हॉर्स पावर कहा जाता है। यह भी पावर की यूनिट है जो ज्यादातर इंजन और मोटर्स के काम करने की ताकत को दर्शाती है। एक हॉर्स पावर असल में 250 किलो वजन को एक सेकंड में एक फुट तक उठाने में लगने वाली पावर है। ज्यादातर कंपनीज अपने इंजन की ताकत को इसी यूनिट से दर्शाती हैं। जितने ज्यादा हॉर्स पावर उतना शक्तिशाली इंजन और मोटर होता है। एक हॉर्स पावर और कहीं तो 750 वाट से भी दो गुना पावर यानी कि लगभग 1500 वाट पृथ्वी की ऑर्बिट पर सूर्य द्वारा रिसीव होती है। इस ऑर्बिट के हर मीटर के हिस्से पर आपको 1500 वाट सूर्य द्वारा रिसीव होंगे, जो बताता है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूर्य असल में कितना शक्तिशाली है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स की ओर, जो कि साल 1950 के दौर में यूज हुआ करते थे। यूनिवेग 1 नाम का कंप्यूटर चलने के लिए 1.5 लाख वाट्स यूज करता था। ये पावर बहुत बहुत ज्यादा है। इस तरह के तीन कंप्यूटर की पावर 18 टायर के एक ट्रक की पावर के बराबर है। यूनिवेग 1 आज के कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, पर उसकी स्पीड अरबों गुना कम थी। एक सेकंड में 1900 ऑपरेशंस करने वाला एक कंप्यूटर आज के कोर i9 9th जनरेशन प्रोसेसर की 600 अरब ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ कंप्यूटर्स भी कितना बदल गए हैं। पर अगर आप यूनिवेग की पावर की खपत से हैरान थे, तब आपको और ज्यादा शौक लगने वाला है। पृथ्वी पर मौजूद एक जानवर इस कंप्यूटर से भी 16 गुना ज्यादा पावर पैदा कर सकता है। एक ब्लू बेल मछली अपने पूरे पीक पर 25 लाख वाट्स पैदा करती है, जो कि एक डीजल ट्रेन इंजन के बराबर है। यानी हर सेकंड 25 लाख जूल्स एनर्जी वेल मछली और ये इंजन खर्च करते हैं। वहीं इसे 100 गुना ज्यादा और 14 करोड़ वाट्स बोइंग 747 प्लेन की एवरेज पावर कंजप्शन है। यानी कि अगर आप इस प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, तो आपको इसे टेक ऑफ कराने के लिए ही 140 मेगावाट और कहीं तो 14 करोड़ वाट्स पावर चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस प्लेन को हवा में उड़ा सकते हो। वहीं 200 मेगावाट और 20 करोड़ वाट्स एक निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर कंजप्शन है। इन्हें ये पावर न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। बात करें भारत के हाल में ही लॉन्च हुए INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो वो 80 मेगावाट पावर जनरेट करता है और इसी से आगे बढ़ता है। ये USA के निमिट्स क्लास से छोटा है, इसलिए एक कम पावर यूज करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब डैम्स की ओर। भारत में बना टेहरी डैम इस वक्त 1000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये आराम से 7.5 लाख घरों को बिजली देने में सक्षम है। 60 वाट के 1.5 करोड़ बल्ब आप इसकी मदद से ऑन कर सकते हैं। पर इन सबसे भी ज्यादा पावर एक रॉकेट को लॉन्च करने में लगती है। नासा के सबसे विशाल रॉकेट सैटर्न 5 को लॉन्च करने और उसके फर्स्ट स्टेज को पॉसिबल बनाने के लिए आपको कम से कम 160 गीगावाट पावर चाहिए, तभी आप इसे बिना रॉकेट फ्यूल के इलेक्ट्रिसिटी से लॉन्च कर पाएंगे। ये पावर बहुत ज्यादा है, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 20 टेरावाट साल 2019 में पूरी मानव जाति की पावर कंजप्शन थी। वहीं इसे 10,000 गुना ज्यादा पावर हर सेकंड पृथ्वी सूर्य से रिसीव करती है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य 12,742 किलोमीटर डायमीटर की पृथ्वी को केवल अपनी 0.00000045% पावर ही देता है। पर यह पावर भी आज की पूरी मानव जाति की एक साल की खपत से 10,000 गुना ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो हर सेकंड सूर्य 174 पेटाजूल्स एनर्जी पृथ्वी को देता है, जो कि 41 मेगाटन TNT के बम के बराबर ही बनती है। ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 2500 गुना ताकतवर है। इसी से आप सूर्य की असीम शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सूर्य की पूरी ताकत की बात करें, तो जब वह चमकता है तो 3.84 × 10^26 वाट पावर रिलीज करता है। यानी सूर्य की ल्यूमिनोसिटी इतने वाट्स की है। ये अपने पावर से 60 वाट के करीब 600 खरब बल्ब जला सकता है। पर ब्रह्मांड में सूर्य से भी ताकतवर स्टार्स हैं। पृथ्वी से 1,60,000 लाइट ईयर दूर टैरेंटोला नेबुला में मौजूद है R136A1 स्टार, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे ब्राइट और कहीं तो ल्यूमिनस स्टार है। ये सूर्य से 47 लाख गुना ब्राइट है और इसका पावर आउटपुट 3×10^33 वाट्स है। ये हर सेकंड इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना हमारा सूर्य 3 महीनों में कर पाता है। इतनी ही एनर्जी हर सेकंड Type 3 सिविलाइजेशन भविष्य में यूज करने वाली है, जो मेरे दिमाग को भी हिला देता है। पर इस स्टार से भी 10 लाख गुना ज्यादा ब्राइट एक क्वेजार होता है। आकार में विशाल और ब्लैक होल के कारण ये मैटर की एक डिस्क बनाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं।
ये डिस्क ही ब्रह्मांड में इतनी ब्राइट हो जाती है कि इसे टेलीस्कोप 13 अरब लाइट ईयर दूर से भी देख लेता है। अगर इसके पावर आउटपुट की बात करें तो यह 20 खरब सूर्यों से भी ज्यादा पावर जनरेट करता है। वहीं इससे 1000 गुना ज्यादा पावर एक गामा रे बर्स्ट में होती है। करीब 3×10⁻42 वाट्स की चमक लिए एक साधारण गामा रे बर्स्ट सूर्य से 1,00,000 खरब गुना ज्यादा ब्राइट होता है। ये कई गैलेक्सीज की चमक को भी पीछे कर देता है। जब एक महाविशाल का तारा सुपरनोवा धमाका करके एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में बदलता है तो तब जाकर के इतने शक्तिशाली गामा रे ब्रह्मांड में हमें दिखाई देते हैं। एक ही सेकंड में ये इतनी एनर्जी ब्रह्मांड में रिलीज करता है जितना हमारा सूर्य 10 अरब सालों में रिलीज कर पाएगा। पर यह भी कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा पावर आपको ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव से मिल सकती है। हालांकि ब्लैक होल्स को खत्म होने में बहुत समय लगता है, पर कोई ब्लैक होल जो कि आपके मास से भी करोड़ों गुना कम मास का हो और तुरंत ही हॉकिंग रेडिएशन से खत्म हो जाए तो वो गामा रे बर्स्ट से भी 10,000 गुना ज्यादा पावर रिलीज करके ही खत्म होगा। इसी से आप ब्लैक होल्स की ताकत को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में विशालकाय ब्लैक होल्स कई अरबों खरबों सालों में जाकर के खत्म होते हैं, इसलिए हम इनकी पावर को सही से आंक नहीं पाते हैं। पर जब यही ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं और इनकी टक्कर से ब्रह्मांड में जो हलचल होती है और ग्रेविटी की एक तरंग बनती है, उसकी पावर आज तक की सबसे ज्यादा आंकी गई पावर है। साल 2015 में LIGO द्वारा जब पहली बार एक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया और उसकी पावर कैलकुलेट की तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। करीब 3.6×10⁻49 वाट्स यानी 3 के पीछे 49 जीरो लगा दो, इतने वाट्स पावर इन वेव्स में थी जो कि केवल दो ब्लैक होल्स जो कि सूर्य से 40 और 30 गुना भारी थे उनके आपस में टकराने से पैदा हुई थी। सोचिए जब तुम महाविशालकाय ब्लैक होल्स जिनका मास अरबों सूर्यों के बराबर होगा जब वो आपस में टकराएंगे तो कितनी पावर और एनर्जी रिलीज करेंगे, हम शायद उसकी कल्पना भी ना कर पाए। इसी से पता चलता है कि ब्रह्मांड में हमारी कोई खास पहचान नहीं है, हम इसके स्केल के सामने बहुत बहुत छोटे हैं। इसके आकार और इसकी शक्ति को हम शायद ही कभी समझ पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहां मैंने 1 वाट से कम और उससे भी खरबों गुना वाट्स पावर रिलीज करने वाली चीजों के बारे में बताया है। इस स्केल को तैयार करने में मुझे बेहद समय लगा है, इसलिए मैं इस वीडियो पर आपसे 10,000 लाइक्स चाहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।